बिहार में नवादा एक जिला है, जहां पर कि नवादा में कृष्णा नगर नाम का एक गांव है, जहां पर कि जो है पासवान, चमार और मुसहर जाति के लोग रहा करते थे। लेकिन देखिए, सरकार का जो क्रिमि लेयर सिस्टम है, जो दलित महादलित में बांटने में नीतीश कुमार बड़ी माहिर थे, अब उनका परिणाम निकल कर आ रहा है। ऐसे ये निकल कर परिणाम तो दलित महादलित जब नीतीश कुमार ने 2005 में बांटा था उसी समय से आ रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इतना डेवलप नहीं था जिससे कि खबरें लोगों तक पहुंच सके। लेकिन डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया आज खबरों को तुरंत आग लगा देता है। तो दलित और महादलित में बांटने का परिणाम अब निकलने लगा और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगा। वहां पर नंदू पासवान, कृष्णा नगर में नंदू पासवान नाम का एक लड़का रहता है, लड़का नहीं बल्कि कहीं एक दबंग व्यक्ति रहता है। उसकी उम्र लगभग जो है 30-35 के करीब बताई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। वह एक दबंग, वह किसी को नहीं बूझता था, किसी को नहीं समझता था। उनके एक जमीन पर निशान था, वह जमीन विवादित जमीन था जो कोर्ट में टाइटल सूट यानी केस से चल रहा था, जिस जमीन पर जो है चमार और मुसहर जाति के लोग बसा करते थे, यानी महादलित लोग रहा करते थे। लेकिन पता नहीं इनकी नजरें उस पर गड़ी हुई थी, परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने गुर्गे और गुंडों के साथ जा करके वहां आग लगा दिया और मारपीट किया गया, जहां 80 से 100 घरों के बीच में जलने की खबरें जो है लोगों को मिल रही है। वर्तमान में सरकार ने जो है एडीजी से लेकर के जो है निचले तबके के 5 थानों के पुलिस अधिकारी को वहां लगा दिया गया। सवाल ये नहीं है कि आपने पुलिस अधिकारी को वहां लगा दिया, लेकिन जब आग लगी और पहले से विवादित था तो आप क्या कर रहे थे? सरकार पूरी तरह से बिहार में फेल है। इसका सारा ठीकरा अगर किसी को फोड़ा जाए, इसका जिम्मेवार भाजपा नीतीश सरकार की है। भाजपा नीतीश सरकार जब से बिहार में बनी है, इन्होंने दलित और महादलित को बांटने का काम किया, जिसमें कि पासवान समाज भी एससी में ही आता है, अनुसूचित जाति में ही आता है, और बाकी जो है वह भी अनुसूचित जाति में ही आ रहा है। लेकिन इनकी ऐसी हनक थी ये बांटने का परिणाम, ये लगता है कि हम उससे बड़े जात हो गए, हम उससे अगली जाति हैं, और दबंगई के कारण इन्होंने जो है अपनी जो है प्रभावशाली होने के कारण इन्होंने वहाँ के लोगों में के घरों में आग लगा दिया, जबकि फैसला कोर्ट को सुनाना था। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने बिहार में जो दलित और महादलित के रूप में बांटने का काम किया है, अब यह जो है सीधा डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक दूसरे तक खबर पहुंच रहा है। नीतीश कुमार के सरकार में सबसे पहले दलित महादलित बांटने का काम किया गया था अनुसूचित जाति को, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 1 अगस्त 2024 को जो है दलितों को SC ST को बांटने का काम किया, जिसके सामने बिहार के पहले ऐसे नेता हुए बसपा सुप्रीमो भवन कुमारी मायावती, जो सीना तानकर खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी। ऐसे बिहार के नवादा के घटना पर बसपा सुप्रीमो भवन कुमारी मायावती ने सरकार से उन्हें मुआवजा देने के लिए और पुनर्वास के लिए आग्रह किया है, और यही नहीं उनकी जितनी क्षतिपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए भी जो सरकार से मांग किया है। यही नहीं जो है बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में हैं राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल के माध्यम से सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ऐसे कहा जाए तो पूरे देश में और किसी राज्य में अगर विभिन्न मुद्दे और कोई घटनाएं होती है तो फ्रंट फुट पर खुल करके अगर कोई जवाब दे रही है और लड़ रही है, उसका मुख्य भूमिका बसपा सुप्रीमो भवन कुमारी मायावती है। वहीं इसके बसपा सुप्रीमो भवन कुमारी मायावती के ट्विटर हैंडल को आगे करते हुए आकाश आनंद, जो बसपा के उत्तराधिकारी सह संयोजक है, जो हरियाणा के मुख्य प्रचारक है, जो हरियाणा में चौपाल लगा रहे हैं, उन्होंने गांव-गांव में घूर-घूर में जाकर कह रहे हैं, बातें चार बसपा इन लोग की सरकार, बातें करो चार बसपा इन लोग की बनेगी सरकार हरियाणा में। और उन्होंने भी मायावती के ट्विटर हैंडल को रीट्वीट करते हुए राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है, और उन्हें कहा है कि राज्य सरकार ने जो लोगों को बांटने का काम किया है वह आज परिणाम आ रहा है। सबसे पहले अगर पूरे देश में अनुसूचित जाति को बांटने का काम किया है, उसका पूरा का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, जिसका परिणाम आज बिहार के नवादा में देखने को मिल रहा है। अर्थात बिहार सरकार, भाजपा नीतीश सरकार
पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को अपने सरकार में चलाने में फेल हो गई है। इसलिए बिहार में भी अब लोग उत्तर प्रदेश में जो चार बार की मुख्यमंत्री बनी उस तरह की सरकार देखना चाह रहे, जिसके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कानून व्यवस्था मजबूत थी और उसके चलते अपराधी या तो सलाखों के पीछे होते थे या तो राज्य छोड़कर भाग जाते थे। धन्यवाद।